मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल टिपारा गौशाला के विकास व गायों की देखरेख के लिए 5 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से गाय को भी पूजने की बात कही। इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा आभार रैली निकाली गई, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने गौशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि लाल टिपारा गौशाला की गायों व गौशाला के उत्थान के लिए वे सरकार की भी पूरा सहयोग करेगी। सीएम ने गौशाला के विकास व गायों की देखरेख के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गौशालाओं का महत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा, जब समाज खड़ा होता है और संतों का आशीर्वाद मिलता है तो ये स्वर्ग समान गौशाला प्रदेश एवं देश के लिए उदाहरण बन जाती है। गायों की धूल माथे पर लग जाती है तो पाप धुल जाते हैं। हमारे गाँव की आत्मा गाय में बसती है, इसलिए गाय का संरक्षण करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाकाल के प्रतिनिधि प्रदेश की कमाल को संभाल चुके हैं, ऐसे में प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। क्या है, भारत सरकार के मंत्रीगण यहाँ बैठे, पूर्व मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी भी बैठे, जिनके माध्यम से वर्तमान की धारा में हमारी देसी गौशालाओं का जो महत्व तो बढ़ा है, और उससे भी सोने का सुहागा तो आपने कर दिया। इस नगर निगम में महाराज ने कदम बढ़ाया। नगर निगम के माध्यम से मैं जानता हूँ कि सरकार की व्यवस्था से अगर गौशाला चलती तो सरकारी गौशाला में क्या होता उल्लेख करने की जरूरत नहीं। यद्यपि अब मेरे पास जवाबदारी थोड़ी दूसरे प्रकार की है, लेकिन जो यथार्थ है उसको संत का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये स्वर्ग समान गौशाला वाकई हमारे लिए प्रदेश के लिए देश का उदाहरण बनती है। जोरदार ताली बजा करके एक इतने बड़े आयोजन का हम सब साक्ष्य मनाए, और इसी कारण से मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सब, मैं मान के चलता हूँ, अभी नामों के संबोधन में सिंधिया जी को भी इनका नाम बोला है, लेकिन गोपाल तो हम सब है। जिनके घर में गाय वो सब गोपाल है, मेरे घर भी गाय है और जिन जिनके घर गाय है, और उम्मीद करेंगे कि हर घर में गाय होना चाहिए। जब हमारी माँ राजमाता जी ने आपने बताया कि महल के अंदर, मैंने महाराज से पूछा कि अभी भी 100 से ज्यादा गाय उनके अपने महल के अंदर है, हम में से भी कई सारे परिवारों में, तो ये जो गोपाल का आनंद है उसके आनंद की बात ही क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के अवसर पर महाराज जी आपने कदम बढ़ाए और आपने कहा कि ये थोड़ा साथ मिलेगा तो प्रदेश से ये बहुत बड़ा कष्ट है, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन भी लेंगे। और आज के अवसर पर ये जो पूरा नया बजट बन गया है, प्रदेश के कई सारे नगर निगम को भी यहाँ देखने भेजेंगे, अगर वो यहाँ से सीख सकते तो ये बड़ा समाधान मिलेगा। ऊर्जा का केंद्र, जैसे आज सर्दी का मौसम में ये हीटर की आग एक ज्वालामुखी की तरह उज्ज्वल हुई है, वैसे ही यही श्री कृष्णायन देशी गौशाला एक ज्वालामुखी की तरह गौ संरक्षण के रूप में भारतवर्ष में एक ज्वालामुखी की तरह उज्ज्वल हो चुकी है। मेरे भाइयों, मैं बधाई देना चाहता हूं एक समग्र और सस्टेनेबल विकास का मॉडल इस लाल टिपारा के गौशाला ने मार्ग प्रशस्त किया है पूरे भारतवर्ष में। और जहां एक आदर्श गौशाला हमारे मध्य प्रदेश शासन का आज बन चुका है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी हमारे अफसरों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 31 करोड़ रुपए की सीएसआर के आधार पर हमारा यहां कंप्रेस बायोगैस प्लांट बन रहा है। 100 टन गोबर और सब्जी मंडी से भाजियों को लेकर उसकी खपत के आधार पर करीब करीब 2-3 टन हमारा गैस बनेगा, और वो 2-3 टन जो गैस बनेगा हमारे नगर निगम के लिए 7 करोड़ का आय का स्रोत केवल नहीं बनेगा, लेकिन नगर निगम की सारी गाड़ियां वही कंप्रेस नेचुरल गैस के आधार पर चल पाएंगी। ये इतिहास लाल टिपारा गौशाला से आज पूर्ण रूप से निकल चुका है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है
इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।